तो इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये चला जाएगा मुझे लग रहा है। कोई टेंशन नहीं है यार, अगर ये इस वाली एवरी में खुली भी आ जाएंगी ना, कोई मसला वगैरह नहीं। और ये ओए माशाल्लाह, सारे के सारे बर्ड्स मैंने पकड़ लिए और अब ये जाने लगे हैं भाई हमारा सेटअप छोड़ के। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, चेक करें। और ये हमारी रिंग नेक डव्स। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आज नहीं कर दीजिएगा। तो आज हमने एक काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल यार आप लोग थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे इस बात से, वो ये है कि यार आज हमने एक काम ये करना है कि भाई सारे के सारे बजीज पैरट्स मैं यहाँ से निकालने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो क्यों निकालने लगा हूँ वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। खाली बजीज पैरट्स नहीं निकालने यार, बजीज पैरट्स के साथ साथ मैंने सारे डव्स भी यहाँ से निकाल देनी आज। वो क्यों निकालने, दरअसल यार ये अभी जा रही हैं, इसको मैंने जो है ना एक भाई को भिजवानी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसको। तो ये हमने इंशाल्लाह करनी है, यहाँ से किसी और जगह भिजवाने हैं केजेस के अंदर, मतलब इसके इसको हम कार्गो एक किस्म का कहने करवा रहे हैं सारे बजीज को और सारे रिंगनेक डव्स को। तो क्यों करवा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल यार इसकी वजह ये है कि आज इनकी जगह हम एक अच्छी सी बर्ड लेके आएंगे, ऐसा बर्ड जो कि सेट अप प्यार से हम लेते ही नहीं हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये सारे के सारे बजीज मैं यहाँ से निकालने लगा हूँ, रिंगनेक डव्स यहाँ से निकालने लगा हूँ। तो चलें काम शुरू करते हैं। बाकी नाराज़ नहीं होना यार आप लोगों ने, यार ये मतलब इनकी जगह अच्छा सा परिंदा आएगा, आप लोग कहेंगे यार ये क्या लिया यार आप, तो आप टेंशन नहीं लें बस। तो अभी काम शुरू करते हैं अपना, तो फिंचेस का केज उतारते हैं वहाँ से, सारे के सारे बजीज में फिंचेस वाले केज के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। रिंगनेक डव्स को हम इसके वाले केज के अंदर शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। पहले क्या पकड़े यार, बजीज को पकड़े या इनको पकड़े? चले बजीज से काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो यार सारे के सारे बजीज को पकड़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा माशाल्लाह, आप लोग देखें। तो यही वजह थी यार बस कि मैंने जो था ना इनकी बजीज की मटकियाँ उतार दी थी। ठीक हो गया, तो चलें केजेस को खाली करते हैं सिवाय हमारी डायमंड डव के। तो डायमंड डव का केज जो है अभी खाली नहीं होगा, तो क्योंकि ये हमने अपने पास ही रखनी है। तो बस बजीज का और रिंगनेक डव जो है ना, ये सारे के सारे केजेस खाली हो जाएंगे। लेकिन एक डव का पेयर मैं रखूँगा वो इसलिए क्योंकि इनके बच्चे निकले हुए हैं, बाकी जितने भी डव्स हैं हम कार्गो करवा देंगे ये भी और सारे के सारे बजीज पैरट्स भी। तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आज नहीं कर दीजिएगा। तो चले काम शुरू करते हैं दोस्तों। अपनी सारी फिंचेस को मैं यहाँ से निकाल के मैं इस छोटे केज के अंदर शिफ्ट करने लगा हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करके इनको पकड़ लेते हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ शहजादियों। ओए 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 ओए, बड़ी तेज़ होती हैं यार, ये हाथ में नहीं आती। ओए 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 ओए, भाई साहब भाई भाई साहब भाई साहब। तो ये भाई मैंने फीमेल पकड़ ली, आप लोग देखें, इसको मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। चलो जाओ बस बाहर ना निकल आए यहाँ से। ओए जैसे लॉक लगा के देखते हैं, अगर लग गया लग गया, दूसरे पकड़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, ये गीला हुआ है मेल हमारा थोड़ा सा बारिश की वजह से। तो इसकी छत जो थी ना वो मैंने रिपेयर कर दी है सारी अल्हम्दुलिल्लाह, अब बारिश का पानी बिल्कुल भी हमारी डायमंड डव्स की एवरी में नहीं आएगा। तो इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये चला जाएगा मुझे लगता है। कोई टेंशन नहीं है यार, अगर ये इस वाली एवरी में खुली भी आ जाएंगी ना, कोई मसला वगैरह नहीं, क्योंकि पहले भी ये खुली रहती थी, तो मतलब डर नहीं है कि एक निकल जाएंगी एक गमी। वो तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके उन जगहों का पता चल गया था भाई यहाँ से निकलना है, इसलिए वो हमारी पुरानी फिंचेस 12-13 फिंचेस उड़ गई थी हमारी इस तरह। लेकिन ये नहीं उड़ेंगी अभी फ़िलहाल में, इनको पता ही नहीं होगा कि भाई हमने कहाँ से निकलना है। तो ये फीमेल रहेगी एक, तो भाई आ जाओ यार। ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, पकड़ लिया भाई। तो ये देखें भाई हमारी ब्राउन फीमेल फिंच, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। तो इसको भी इस सुराख से मैं अंदर छोड़ देता हूँ। चलो भाई, तो तीनों की दोनों फिंचेस दोस्तों यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अभी मैं ये उठाता हूँ, अरे यार उठा ही नहीं सकता सच यार, ये तो मैंने यहाँ पे डायमंड डब इसके मैं चेक करता हूँ, अगर तो अंडे ख़राब है ना तो उठा लेते हैं, वरना इस अंडे को भी जरा मैं चेक करता हूँ पहले। तो डायमंड डब का नेस्ट ना मैंने दोस्तों यहाँ पर लगाया, देखते हैं डायमंड डब आके बैठती है या नहीं बैठती, अल्लाह करे आके बैठ जाए, इसको ये ना हो कि भाई मेरा नेस्ट चेंज हो गया। ये फीमेल है ये देखें यहाँ पे बैठी हुई है, चले जाओ। और ये जाएगी क्या, क्योंकि बिल्कुल उसके पास ही मैंने नेस्ट लगाया है, इसको पता नहीं चलेगा, बस जाके बैठ जाए ना। तो दरअसल यार शुक्र है दोस्तों माली फीमेल चली गई है यार। और ये ओए माशाल्लाह खूबसूरत, अब दोस्तों हमें टेंशन नहीं होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाके बैठ चुकी है। दरअसल यार उस अंडे के अंदर बच्चा था और क्रैक भी आ गया उसके अंदर, तो बच्चा निकल रहा है, शाम तक निकल आएगा इंशाल्लाह। तो केजेस मैंने रेडी कर लिए हैं, तो अभी जो है ना जाते हैं बजीज की एवरी में, उनको पकड़ते हैं इंशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों केज बिल्कुल यार परफेक्ट है, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया हमारे केज के बाद। मैं देख रहा था कोई सुराख वगैरह तो नहीं, लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, कोई मसला वगैरह इसको नहीं है। ठीक है, इसके बस ये पॉइंट्स जो हैं इनको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि ये ऊपर से उठाने में ना निकले। तो ये केज हमारा रेडी है, इसको उठाते बिस्मिल्लाह और वजीज के एवरी में लेके चलते हैं। तो चले दोस्तों, मैं पकड़ता हूँ अपने वजीज पैरट और आप लोग वीडियो देखें। तो यार बड़ी खतरनाक बजीज पैरट्स हैं, इनमें कुछ पैरट्स ऐसे हैं कि भाई जो बहुत बुरी तरह काट रहे हैं यार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक फीमेल ने काटा, ये देखें भाई ये निशान यहाँ पे मेरे हाथ पे पड़ गए। तो अभी मैं जो है ना कोई कपड़ा या ग्लव्स लेने के लिए बाहर आया हूँ, भाई इस तरह नहीं पकड़े जा रहे भाई ये। कुछ ही पैरट्स अभी मेरे हाथ आए हैं, और बाकी जो है ना भाई अब समझ लें जो मेरे हाथ में पैरट्स आए ना वो सारे अभी बेबी बजीज जो तैयार हुए। जो फीमेल्स हैं यार वो इतना बुरा काट रही, मैं आपको क्या बताऊँ यार। तो चलो अभी मैं कोई कपड़ा छपड़ा लेके आता हूँ, फिर इनको इंशाल्लाह पकड़ते हैं हम लोग। तो भाई कपड़ा मुझे यहीं से मिल गया, तो इसको अभी ये पकड़ते हैं और देखें सारे बजीज पैरट्स ना उनके पास आके बैठ गए भाई अंदर क्या कर रहे हैं। तुम लोगों को भी मैं अभी अंदर करता हूँ, सब्र करो भाई। तो चलें इनको पकड़ते हैं दोस्तों फिर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारे बजीज पैरट्स मैंने पकड़ लिए यार। एंड वाला जो बजीज पैरट है यार उसने इतना खपाया है, इतना सताया दोस्तों, और उसने जो है ना हालत टायर कर दी, पता नहीं क्या चीज़ है यार भाई वो। तो वाइल्ड बजी था ग्रीन कलर का, इन्हीं में है कोई हो। तो भाई उसने बहुत ज़्यादा थकाया, आप लोगों ने देखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह केज हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है, अब बारी हमारी वाइट रिंगनेक डव्स की बारी है। तो चलें हम इनको भी पकड़ते हैं। तो डब्स भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाहर निकाल दिए, सिवाय एक पेयर के जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसके अभी इसके पास अभी बच्चे हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो केजेस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाली हो चुके हैं। ठीक है, ये तो भाई मुझे वो वाला सीन लग रहा है जो कि कुछ मंथ्स पहले जो था ना यहाँ पे सारे के सारे केजेस खाली हुआ करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम परिंदे लेके आ रहे थे जब बजीज लेके आ रहे थे। ये भी पिंजरा खाली था, ये भी पिंजरा खाली था, बस यहाँ पर 3-4 डब्स घूमती रहती थी। तो ये तो वो वाला सीन लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी थे, लेकिन यार बस करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ मैंने कहा वो करना है। तो अभी ये बजीज और ये सारे जो है ना ये मैं भिजवा दूंगा, और उसकी जगह इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सारे के सारे बर्ड्स मैंने पकड़ लिए हैं, और अब ये जाने लगे हैं भाई हमारा सेटअप छोड़ के। ये भी किंजरा खाली हो गया है, ये वाला केज भी खाली हो गया है। ये सारे के सारे बजीज आप लोग आखिरी नज़र देख लें, ये देखें भाई काफ़ी प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, चेक करें। और ये हमारी रिंगनेक डव्स बहुत क्यूट लग रही है यार माशाल्लाह। दिल तो नहीं कर रहा देने का, लेकिन यार जो सरप्राइज़ मैंने आप लोगों के रखा है ना वो भाई देखने वाला है। तो केज हमारे बेनान हो गए, आप लोग देखें ये सारा केज भी खाली हो गया है, ये वाला से केज भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह यार मतलब खाली हो चुका है। तो ये सारे के सारे यार काफ़ी प्यारे लग रहे हैं यार। वैसे पिंजरों के अंदर जो था ना ये इतने ज़्यादा ही लगते थे, लेकिन जैसे आप लोगों को सामने इनको यहाँ पर छोड़ा ना ऐसे लग रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा पैरट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आपके भाई की हालत भी बुरी हो चुकी है, तो अब बस इनको निकलवाना है यहाँ से, चलते हैं फिर। तो पिजर्स भी दोस्तों काफ़ी टाइम से खुले हुए हैं, और हमारा जो जैरी है ना वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्या, जैरी ने हमारा कुड़क मुझे लगा तोड़ दिया है, क्योंकि वो जो था ना उसके नीचे अंडे नहीं है, वो बैठ भी गया जाके सुबह से यहीं पर घूम रहा था मेरे ख्याल में पीछे जाके फिर से। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंशाल्लाह अपना कुड़क भी तोड़ देगा, और फिर उसके भी बच्चे हम इंशाल्लाह निकलवा लेंगे। और इनकी पेटी भी मैंने उठा ली, क्योंकि अभी मैंने इनकी ब्रीड नहीं लेनी। तो हो सकता है पिजन्स का सेटअप हम कहीं और बना दें, क्योंकि ये केज इनके लिए कंफर्टेबल नहीं, देखिए बारिश का पानी से सारे के सारे अंडे भी इनके ख़राब हो जाते हैं, और केज भी गीला हो जाता है यार। चलो अभी ना मुझे एक प्रॉपर सेटिंग बनानी है, बस इंशाल्लाह इनको मैं भिजवाता हूँ, अभी चलते हैं फिर
और बस वीडियो को यहीं पैन करते हैं भी जाके, और हमने एक ऐसी सेटिंग करनी है, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे भाई, ठीक है। और काफ़ी प्यारा हमारा सेटअप लगेगा फिर तो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोस्तों। दोबारा ले आएंगे यार, कोई मसला नहीं है यार, अभी ला के छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन बस इसकी जगह जो अच्छा परिंदा आएगा ना, वो आप लोगों को मज़ा आएगा। और फिंचेस यार अभी तक बाहर नहीं निकले यार, ये तो यही अच्छी बात होगी यार, मैं समझा था फिंचेस बाहर आ जाएंगी। और डायमंड अभी देखें अंडों को इनक्यूबेट कर रही है अपने, तो फिंचेस माशाल्लाह केज के अंदर ही हैं यार, कोई मसला नहीं हुआ इनको। और ये बाहर भी नहीं आए, डायमंड अब्स नीचे घूम रहे हैं, इनको इनको दाना छाना डालना है अभी। ये एक पेयर यहाँ पे घूम रहा है, इसके बच्चे यहाँ पे हैं, तो बस एक पेयर रह गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पे अलहमदिल्ला आ चुके हैं। तो जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बस देखें, बस लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल ब्यूटी बट को सब्सक्राइब आदमी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, बाकी मुझे लग रहा है आप लोग खुश होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में खुश हो जाएंगे। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।